अमित दोस्तों, मेरे पास ओप्पो 18 मौजूद है और आज की वीडियो के अंदर पबजी का टेस्ट करने वाला है इस डिवाइस के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास ओप्पो 18 कैसी डिवाइस निकल के आती है पबजी मोबाइल गेम को लेके। पबजी ग्राफिक्स मैक्सिमम क्या देखने को मिल जाते हैं, गेम प्ले करके आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इस मोबाइल की अच्छी हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं देखने को मिल जाती। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। चैनल पे नाउ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। एलियो GAT5 का आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है जबकि IPS LCD पैनल है, जबकि 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो गेम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है, गेम स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले मैं ग्राफिक्स चेकआउट कराऊँगा कि मैक्सिमम ग्राफिक्स कितने पे आप गेम प्ले कर सकते हैं पबजी मोबाइल, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत यानी कि आप गुजारा कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं प्राइस के हिसाब से डिवाइस को लेके। ग्राफिक्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, बैलेंस के साथ HD पे हाई फ्रेम रेट पे गेम प्ले कर सकते हैं, HD के साथ भी आप हाई फ्रेम रेट पे ऊपर गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम HD के ऊपर और हाई फ्रेम रेट पे गेम प्ले हो रही है, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ पूरी गेम प्ले और आखिर में अपना रिव्यू दे दूँगा। तो इस गेम प्ले के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो है वो जायरो इतना अच्छा मज़ेदार नहीं देखने को मिला और जो फायर कनेक्टिविटी है वो थोड़ा बहुत मिस होती है मुझे यहाँ पे देखने को मिली है काफ़ी जगह पे। गेम प्ले करते हुए आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे जो है वो इस हिसाब से इतनी अच्छी गेम प्ले आप नहीं कर सकते क्योंकि जो स्क्रीन है IPS LCD डिस्प्ले है, बट मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल किस्म की पबजी मोबाइल गेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं।